हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर लोकेश समान। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओमी डी कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशन में किया जाता है, ओमी डी कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और ओमी डी कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और ये भी डिस्कस करेंगे कि ओमी डी कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ओमी डी कैप्सूल का उपयोग उन कंडीशन में किया जाता है जिन कंडीशन में आपके पेट में बहुत अधिक एसिड बनता है। ओमी डी कैप्सूल पेट में उत्पन्न होने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है। ओमी डी कैप्सूल का उपयोग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बदहजमी होने पर, खट्टी डकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में छाले होने पर ओमी डी कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। ओमी डी कैप्सूल को डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाओं या अन्य दवाओं के साथ दवाओं के जैसे होने वाले साइड इफेक्ट को कम करने के लिए या रोकने के लिए दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एस्पिरिन और दर्द में उपयोग की जाने वाली दवाएं जैसे डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक आदि दवाओं की वजह से पेट में दर्द, पेट में जलन या पेट में अल्सर की समस्या हो सकती है, इसलिए इन साइड इफेक्ट को रोकने के लिए आपका डॉक्टर ओमी डी कैप्सूल को दर्द की दवाओं के साथ भी दे सकता है। ज्यादातर एंटीबायोटिक दवाओं के कॉमन साइड इफेक्ट में नोजिया, वोमिटिंग व पेट में गैस बन सकती है। एंटीबायोटिक दवाओं की वजह से ये साइड इफेक्ट ना हो इसलिए आपका डॉक्टर ओमी डी कैप्सूल को एंटीबायोटिक दवाओं के साथ भी दे सकता है। ओमी डी कैप्सूल का उपयोग कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में किया जाता है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में पेट का एसिड ऊपर की तरफ खाने की पाइप इसोफेगस में आने लगता है, जिसकी वजह से सीने में जलन हो सकती है जो आमतौर पर खाना खाने के बाद होती है और लेटने पर बढ़ जाती है। इसके अलावा ओमी डी कैप्सूल का उपयोग गैस्ट्रिक और डोडनल अल्सर, इरोजिव एसोफेगाइटिस और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट में एसिड का उत्पादन बहुत अधिक होता है। ओमी डी एक ब्रांड नेम है। ओमी डी कैप्सूल के अंदर साल्ट कम्पोजिशन ओमीप्राजोल 20 mg और डोमपेरिडोन 10 mg होता है। ओमी डी कैप्सूल को एलकेम कंपनी द्वारा बनाया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ओमी डी कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए। आमतौर पर डॉक्टर ओमी डी कैप्सूल को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं। ओमी डी कैप्सूल को सुबह खाली पेट ब्रेकफास्ट से 1 घंटे पहले लेना रिकमेंडेड होता है, लेकिन बीमारी की गंभीरता और बीमारी के आधार पर कुछ व्यक्तियों में ओमी डी कैप्सूल की डोज इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको ओमी डी कैप्सूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही आपको ओमी डी कैप्सूल को लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करें कि ओमी डी कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ज्यादातर लोगों में ओमी डी कैप्सूल की वजह से कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट लोगों में ओमी डी कैप्सूल की वजह से कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ओमी डी कैप्सूल की वजह से पेट में दर्द, पेट से गैस निकलना, सिर दर्द, मुंह में सूखापन, शरीर की मांसपेशियां जोड़ों में दर्द होना, चक्कर आना व दस्त होने की समस्या भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों में ओमी डी कैप्सूल की वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी हो सकती है। लंबे समय तक ओमी डी कैप्सूल को लेने से शरीर में विटामिन सी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना ओमी डी कैप्सूल को 2 सप्ताह से अधिक नहीं लेना चाहिए। लंबे समय तक और दिन में कई बार ओमी डी कैप्सूल को लेने से ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क अधिक हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों का रोग है जिसमें हड्डियां बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती हैं और हल्के से प्रेशर या गिरने की वजह से भी हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है। ओमी डी कैप्सूल की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस तभी होता है जब ओमी डी कैप्सूल का सेवन लगातार 1 साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए। अगर आप दिन में कई बार ओमी डी कैप्सूल का सेवन करते हैं तो इसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क अधिक हो जाता है। अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से ओमी डी कैप्सूल का सेवन कर रहे हैं तो आपको कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए या आपको कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के रिस्क को कम किया जा सके। अब हम डिस्कस करेंगे कि किन कंडीशन में ओमी डी कैप्सूल को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ओमी डी कैप्सूल का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ओमी डी कैप्सूल का सेवन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना ओमी डी कैप्सूल का सेवन गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नहीं करना चाहिए। अगर आपको ओमी डी कैप्सूल से या किसी अन्य प्रोटोन पंप इनहिबिटर दवा से एलर्जी है तो आपको ओमी डी कैप्सूल का सेवन नहीं करना चाहिए और इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप ओमी डी कैप्सूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।